छात्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि सम्राट अशोक का जो जीवन परिचय था उसके बारे में हमने चर्चा की। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में हम चर्चा की तथा सम्राट अशोक के जो धर्म के बारे में भी हमने चर्चा की कि वो धर्म किस धर्म का अनुयायी था, तो विद्वानों में उसमें मतभेद था। तो छात्रों, जो अब हम देखते हैं सम्राट अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया। छात्रों, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व और कलिंग युद्ध के बाद में जो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि कलिंग युद्ध में उसने भारी नरसंहार देखा और इस नरसंहार के चलते उसका हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। छात्रों, अब हम देखते हैं कलिंग जो युद्ध है, कलिंग युद्ध के बाद में इसका जो हृदय परिवर्तित हुआ और उसमें अब बौद्ध धर्म का जो प्रचार कर रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। तो छात्रों, पहले हम देखते हैं कि अशोक के शासनकाल के अंदर क्या जो घटना घटी थी उसको भी देखते हैं कि तृतीय बोध संहिता, तृतीय बोध संहिता, तो तृतीय बोध संहिता, छात्रों तृतीय बोध संहिता का जो आयोजन होता है कहां होता है उसके बारे में देखते हैं। तृतीय बोध संहिता राजगृह, सॉरी तृतीय बोध संहिता का समय, पहले हम देखते हैं समय, समय 251 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र वर्तमान में कहां आता है, बिहार, कहां आता है छात्रों, बिहार के अंदर ये पाटलिपुत्र आता है। शासक, शासक है अशोक, सम्राट अशोक, वंश मौर्य वंश, इस जो संगीति की विशेषता अर्थात इसके अंदर जो विशेष घटना घटी वो क्या थी, बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का निर्माण, अभिधम पिटक का निर्माण, अभिधम पिटक का निर्माण, अध्यक्ष, अध्यक्ष मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस, अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस। तो छात्रों, जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के समय के अंदर बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ। प्रथम जो बौद्ध संहिता थी हर्यक वंश के शासक जो अजातशत्रु के समय 483 ईस्वी पूर्व ये राजगृह नामक स्थान पर ये आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संहिता थी शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय 383 ईस्वी पूर्व आयोजित हुई वैशाली में, तथा तृतीय जो बौद्ध संहिता है, तो तृतीय बौद्ध संहिता कब आयोजित हो रही है, 251 ईस्वी पूर्व। इस संहिता के जो अध्यक्ष है मोगलीपुत्र से, तथा पाटली बिहार के पाटलिपुत्र नामक स्थान पर ये जो आयोजित हो रही है। इस समय सम्राट अशोक का शासन है, मौर्य वंश के ये राजा है। और इस तृतीय बौद्ध संहिता के अंदर एक विशेष घटना घटती है, वो विशेष घटना क्या है कि बौद्ध धर्म के तीन पिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक तथा अभिधम पिटक, इसमें से तीसरे पिटक का जो निर्माण हो रहा है, तीसरे पिटक का निर्माण कहां हो रहा है, इसे तृतीय बौद्ध संहिता के अंदर। जो प्रथम बौद्ध संहिता थी राजगृह नामक स्थान पर जो महाकश्यप के अध्यक्षता के अंदर हुई, उस बौद्ध संहिता के अंदर जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक का निर्माण हुआ। दो पिटक बन चुके थे 483 ईस्वी पूर्व, अब 251 ईस्वी पूर्व तीसरा जो पिटक है वो कौन सा है, अभिधम पिटक, उसका निर्माण होगा। और वो निर्माण किसमें हुआ, तृतीय बौद्ध संहिता में। तो अशोक द्वारा जो बौद्ध का प्रचार किया जा रहा, बौद्ध धर्म का, उसमें देखिए तृतीय बौद्ध संहिता
अध्यक्ष कौन है इस समिति का? मोगलीपुत्र तिस्से। कब हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व हुई थी। स्थान कौन सा? पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र कहाँ आता है? बिहार के अंदर आता है। शासक कौन था? सम्राट अशोक। तथा वंश कौन सा था? मौर्य वंश। और विशेषता क्या थी इसकी? विशेष घटना क्या घटी? बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ। छात्रों, सम्राट अशोक द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, उस प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने प्रचारक भेजे। तो प्रचार का क्षेत्र, प्रचार का क्षेत्र और प्रचारक, प्रचार का क्षेत्र है प्रचारक। तो प्रचार का क्षेत्र कौन सा था, वे प्रचारक कौन थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। प्रचारक तो किस क्षेत्र के अंदर कौन सा आदमी गया, कौन सा व्यक्ति जो प्रचार करने के लिए गया, उसके बारे में हमें देखते हैं। तो प्रचार का क्षेत्र क्या चाहता हूं इसका? कश्मीर वे कंधार। कश्मीर, कश्मीर वे कंधार। कश्मीर वे कंधार के क्षेत्र में सम्राट अशोक ने मध्यांतिक, मध्यांतिक को भेजा। कौन गए यहां? मध्यांतिक, मध्यांतिक। कश्मीर में कंधार में मध्यांतिक हिस मंडल, हिस मंडल, हिस मंडल यहां गया महादेव। हिस मंडल महादेव वनवासी क्षेत्र रक्षित, यहां बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए रक्षित को भेजा गया। अपरांतक, अपरांतक धर्म रक्षित, धर्म रक्षित। हिमवत, हिमवत मध्यमिक, हिमवत मध्यम, हिमवत क्षेत्र के अंदर मध्यम को भेजा गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित। यवन महारक्षित, यवन महारक्षित। सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि सोन में उत्तर, सोन में उत्तर सिंहलदीप, श्रीलंका सिंहलदीप, श्रीलंका महेंद्र, संघमित्रा संभल, महेंद्र संघमित्रा संभल, भद्रशाल, छात्रों जो सम्राट अशोक के, अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने प्रचारकों को विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भेजा तथा उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसे कश्मीर वे कंधार के क्षेत्र के अंदर उसने इसने मध्यांतिक को भेजा। कश्मीर वे कंधार के क्षेत्र में किसे भेजा? मध्यांतिक को सम्राट अशोक द्वारा भेजा गया। हिस मंडल, जो हिस मंडल का क्षेत्र है, हिस मंडल के क्षेत्र के अंदर महादेव को भेजा, किसे भेजा गया? महादेव को भेजा गया। वनवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र के अंदर रक्षित को भेजा गया। अपरांत, अपराध के नाम का, जो अपराध नाम का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर धर्म रक्षित को भेजा गया। हिमवत, हिमवत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, मध्यम
नल को कर्म करने के लिए मज्जिम को भेजा गया, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित को भेजा गया, यवन यवन देश के अंदर महारक्षित को भेजा गया, स्वर्ण भूमि में स्वर्ण व उत्तर नामक जो व्यक्तियों को यह भेजा गया, सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका के अंदर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को और साथ में संबल व जो भद्रसाल नाम के व्यक्ति को यहाँ भेजा। तो सिंहद्वीप अर्थात श्रीलंका में किसे भेजा गया, ये महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र कौन था, सम्राट अशोक का पुत्र, संघमित्रा सम्राट अशोक की जो पुत्री थी, इनको तथा संबल व भद्रसाल को यहाँ पर भेजा गया। इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया छात्रों और अशोक द्वारा बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, धर्मोपदेश की व्यवस्था की गई अशोक द्वारा, अशोक द्वारा बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, यात्रा की गई अशोक द्वारा बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, बौद्ध धर्म के उपदेश देने की व्यवस्था की गई, उपदेशों की व्यवस्था की गई, व्यवस्था की गई। मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, मास की लघु शिलालेख में, लघु शिलालेख में लघु शिलालेख में मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्ष्य कहा, साक्ष्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्ष्य कहा है। छात्रों जो मास्की लघु शिलालेख के उसके अंदर अशोक स्वयं को क्या कहता है, बुद्ध शाक्य कहता था। अशोक द्वारा बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, बौद्ध जो उपदेश थे उन उपदेशों को देने की अशोक ने क्या की, व्यवस्था की। छात्रों इस प्रकार से सम्राट अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं उसके लिए क्या करते हैं छात्रों, कि सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थान थे उन स्थानों की यात्रा की, तथा सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध के धर्म स्थान लुम्बिनी को कर्मुक्त कर दिया, मात्र 1/8 जो वहां से कर देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक द्वारा जो 84,000 जो चैत्यों 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया। छात्रों हम देखते हैं कि अशोक ने क्या किया, छात्रों की अशोक द्वारा भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्रा की गई, अशोक द्वारा भगवान बुद्ध से संबंधित भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्राएं की गई, यात्राएं की गई। जैसे लुम्बिनी, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु,
लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, कुशीनगर, बोध गया, अशोक द्वारा जीव हत्या पर रोक लगा दी गई, अनाथालयों, पाठशालाओं, औषधालयों, सड़कों, सरायों, पशुपालयों, का निर्माण करवाया, सरायों, धर्मशालाओं, निर्माण करवाया। लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गांव को। कर मुक्त घोषित कर दिया अशोक ने। एक बटा आठ भाग कर लेने की घोषणा की। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण करवाया। तो छात्रों, जो सम्राट अशोक थे, अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपने धर्म प्रचारकों को भेजा और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक द्वारा जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान थे, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, तो इन जो स्थानों की यात्रा की। साथ ही अशोक द्वारा जीव हत्या पर रोक लगा दी गई, उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जीव हत्या पर रोक लगाने का संदेश दिया और उसने जीव हत्या पर रोक लगा दी। अनाथालयों, पाठशालाओं, औषधालयों, सड़कों, पशुपालयों, सरायों, धर्मशालाओं का सम्राट अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गांव को कर मुक्त घोषित कर दिया। भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी गांव, उसे भगवान बुद्ध ने क्या किया,
भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गांव को जो सम्राट अशोक ने क्या किया, कर मुक्त घोषित कर दिया। अशोक ने 1/8 भाग कर लेने की घोषणा की। अशोक ने 84,000 जो स्तूपों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों जो सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया। अब देखिए छात्रों हम सम्राट अशोक का धम्म, जो अशोक का धम्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, छात्रों जो अशोक का धम्म की विषय वस्तु है, इसका जो स्वरूप है उसका जो उसके बारे में विद्वानों के अंदर मतभेद है। विद्वान इस पे एकमत नहीं है। अलग अलग विद्वान जो अशोक के, जो अशोक के धम्म की विषय वस्तु है उसके स्वरूप का जो अलग अलग अपने तर्क जो देते हैं। तो छात्रों जो विद्वानों के अंदर इसके अंदर मतभेद है, तो छात्रों हम देखते हैं कि कौन सा विद्वान क्या कहता है इसके स्वरूप के बारे में, कौन सा विद्वान क्या जो तर्क देता है। तो छात्रों हम देखते हैं धम्म की विषय वस्तु एवं स्वरूप को लेकर विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। अशोक के धम्म, अशोक के धम्म की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु एवं स्वरूप को लेकर विषय वस्तु में स्वरूप को लेकर विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग मत देते हैं। जैसे छात्रों देखते हैं कौन सा विद्वान क्या कहता है, नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री व वी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ। तो ये दोनों विद्वान क्या बताते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि सभी धर्मों का सार अशोक का धर्म है। सभी धर्मों का सार अशोक का धर्म है। सभी धर्मों का सार अशोक का धम है। फादर हेरास फ्लीट और मेकफेयर, फादर हेरास फादर हेरास फ्लीट मेकफेयर फ्लीट मेकफेयर फादर हेरास फ्लीट मेकफेयर इसे राजधर्म या हिंदू धर्म मानते हैं। अशोक के धर्म को, अशोक के धर्म को राजधर्म या हिंदू धर्म मानते हैं, या हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं। फादर हेरास
फादर हिरास अशोक के धम को ब्राह्मण धर्म, अशोक के धम को ब्राह्मण धर्म मानते हैं। ब्राह्मण धर्म मानते हैं ब्राह्मण धर्म मानते हैं फ्लीट इसके अनुसार फ्लीट इसके अनुसार इसके अनुसार वे सिद्धांत जो राज कल्याण के लिए आवश्यक है वे सिद्धांत जो राज कल्याण के लिए आवश्यक है वे इसके अनुसार वे सिद्धांत जो राज कल्याण के लिए आवश्यक है को समाहित किया गया है। समाहित किया गया है नीलकंठ शास्त्री नीलकंठ शास्त्री इनके अनुसार अशोक का धर्म इनके अनुसार सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता थी। अशोक का धर्म सामाजिक नीति शास्त्र की सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता थी। व्यवहारिक व्यवहारिक संहिता थी। रोमिला थापर रोमिला थापर रोमिला थापर इनके अनुसार तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक इनके अनुसार तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं को सुलझाने के लिए अशोक द्वारा किया गया वैचारिक आविष्कार था। अशोक द्वारा किया गया वैचारिक आविष्कार था। अशोक द्वारा किया गया वैचारिक आविष्कार था जी सी पांडे व डॉक्टर भंडारकर जी सी पांडे डॉक्टर भंडारकर
पांडे, डॉक्टर भंडारकर, बौद्ध धर्म का ही एक रूप अशोक का धम्म था। छात्रों इसके अंदर देखिए जी सी पांडे के डॉक्टर भंडारकर, तो इसमें आप देखिए कि बौद्ध धर्म का ही एक रूप अशोक का धम्म था। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का ही एक रूप अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म था। तो छात्रों इसमें आप देखिए कि जो अशोक है, अशोक का जो धर्म है, अशोक के धर्म की विषय वस्तु के स्वरूप को विद्वानों ने, विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। तो अशोक के धर्म की विषय वस्तु के स्वरूप को लेकर विद्वान क्या करते हैं, अपने अलग अलग मत देते हैं कि कोई एक विद्वान एक मत नहीं है कि वो सब अलग अलग है जो इसकी व्याख्या करते हैं। नीलकंठ शास्त्री वे वी ए स्मिथ, कौन सा नीलकंठ शास्त्री वे वी ए स्मिथ, ये क्या बताते हैं कि सभी धर्मों का सार अशोक का धर्म है, अर्थात जो सभी धर्म थे तो उसकी अच्छाइयां अशोक ने ग्रहण की तथा उसने एक उसने और धर्म की उसने व्याख्या की। तो छात्रों नीलकंठ शास्त्री वे वी ए स्मिथ क्या कहते हैं, सभी धर्मों का सार अशोक का धर्म है। तो छात्रों फादर हेरास फ्लीट तथा मेकफेयर नामक विद्वान कौन कौन से, फादर हेरास फ्लीट तथा मेकफेयर नाम के जो विद्वान है ये क्या बताते हैं कि अशोक के धर्म को राजधर्म या हिंदू धर्म मानते हैं। क्या बताते हैं, अशोक के धर्म को राजधर्म या हिंदू धर्म ये मानते हैं। फादर हेरास अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म मानते हैं। फादर हेरास का क्या मत है कि अशोक का धर्म है ये क्या था, ब्राह्मण धर्म है। फ्लीट जो फ्लीट महोदय है, जो फ्लीट फ्लीट महोदय के अनुसार फ्लीट इसके अनुसार वे सिद्धांत जो राज कल्याण के लिए आवश्यक है को समाहित किया गया है। अशोक के धर्म के अंदर वे सिद्धांत जो राज कल्याण के लिए सहायक है उन्हें समाहित किया गया है, फ्लीट ये बताता है। छात्रों नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, नीलकंठ शास्त्री इसके अनुसार क्या बताया गया है कि अशोक का धर्म है किसके, इसके अनुसार अशोक का धर्म किसका धर्म है, अशोक का धर्म सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता थी। सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक जो संहिता किसे माना गया है कि ये नीलकंठ शास्त्री क्या बताता है, सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता थी। अशोक के धर्म को सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक जो संहिता थी ये अशोक के धर्म को बताया गया। नीलकंठ शास्त्री इसके अनुसार अशोक का धर्म सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता थी। रोमिला थापर, जो रोमिला थापर नाम के विद्वान है ये क्या बताते हैं कि इसके अनुसार तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अशोक द्वारा किया गया वैचारिक आविष्कार, कि तत्कालीन जो अशोक के शासनकाल में जो तत्कालीन समय के अशोक के शासनकाल में तत्कालीन समय के अंदर जो सामान्य जो राजनीतिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उनको सुलझाने के लिए उसने एक वैचारिक आविष्कार किया और उस आविष्कार का नाम क्या था, धम्म था। छात्रों जी सी पांडे वे डॉक्टर भंडारकर, जी सी पांडे वे डॉक्टर भंडारकर नामक जो विद्वान है इनके अनुसार बौद्ध धर्म का ही एक रूप है जो अशोक का धम्म था। तो जी सी पांडे वे डॉक्टर भंडारकर क्या बताते हैं कि बौद्ध धर्म का ही एक रूप क्या था, ये जो बौद्ध धर्म का ही एक रूप माना गया, किसे माना गया है, अशोक के धम्म को। छात्रों अब हम देखते हैं धम्म की विषय वस्तु, तो धम्म की विषय वस्तु किस प्रकार की थी तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धम्म की विषय वस्तु, अशोक के धर्म की विषय वस्तु, अशोक के धर्म की विषय वस्तु, अशोक
अशोक के धर्म की विषय वस्तु। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, जिन आचार व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। उसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी है, वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। धम शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। सम्राट अशोक ने दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की है। सम्राट अशोक ने अपने दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की है। जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य करना पाप रहित होना, मृदुता, मृदुता
बंधुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, 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 दया दान माता पिता एवं दया दान माता पिता एवं दया दान माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना आदि, गुरुजनों का आदर करना आदि। अशोक ने राहुलोवाद चूल युहु अशोक ने राहुलोवाद राहुलोवाद सूत्र चूल व्यूह महाव्यूह राहुलोवाद सूत्र चूल व्यूह चूल व्यूह महाव्यूह महा व्यूह चूल व्यूह महाव्यूह इति व्रतक सिंगालोवाद इति व्रतक सिंहालोवाद सिंगालो सिंगालोवाद सुतांत सिंगालोवाद सुतांत आदि सुतांत ग्रंथों से धर्म के सिद्धांत ग्रंथों से धर्म के सिद्धांत ग्रहण किए हैं ग्रहण किए हैं छात्रों। तो इसके अंदर ये जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत कहां से ग्रहण किए गए, ये सिद्धांत जो ग्रहण किए गए वो है राहुलोवाद सूत्र राहुलोवाद सूत्र चूल व्यूह महाव्यूह इति व्रतक सिंगोलावाद सुतांत ग्रंथों से धर्म के सिद्धांत जो ग्रहण किए गए हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भंडारकर डॉक्टर भंडारकर अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार डॉक्टर भंडारकर तो डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा है कि अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जा सकता है। तो डॉक्टर भंडारकर क्या कह रहा है कि अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जा सकता है। उपासक बौद्ध धर्म कहा जा सकता है कहा जा सकता है। सम्राट अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु सम्राट अशोक अपनी प्रजा के
लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु अपितु पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहते थे इसीलिए अशोक ने धर्म की स्थापना की। इसीलिए अशोक ने धर्म की स्थापना की। छात्रों, जो अशोक सम्राट अशोक के सम्राट अशोक अपनी प्रजा के जो जो लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहते थे, अर्थात वो जो जनता के जो चरित्र का चरित्र को सुधारना चाहते थे, और इसके साथ ही जब वो उनको मृत्यु प्राप्त होगी तो परलोक के अंदर वो जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें जो उनका आदर सत्कार हो, अर्थात उनको उनके उस परलौकिक जीवन को भी वो सुधारना चाहते थे। तो छात्रों, इस हिसाब से तो उन्होंने क्या है कि धर्म की स्थापना की, और धर्म की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु के बारे में हम देखते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अशोक के अभिलेखों में धर्म कहा गया है। सम्राट अशोक के जो हमने अभिलेख देखे हैं, अभी तक हमें 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, और जो धर्म की व्याख्या कर रहा है अभिलेख सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक की जो धर्म की व्याख्या दूसरा तथा सातवां जो अभिलेख है वो करता है। तो छात्रों, जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख है, अभिलेखों के अंदर जो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उन नियमों को अशोक का धर्म कहा गया है। छात्रों, तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है, उसे अशोक के अभिलेखों में धर्म कहा गया। अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी है वह राहुलो वात्सु से ली गई है। सम्राट अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो कहाँ से ली गई है, राहुलो वात्सु से ली गई है। कहाँ से ली गई छात्रों, राहुलो वात्सु से ली गई है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। जो धर्म शब्द है वो संस्कृत भाषा के प्राकृतिक का वो रूपांतरण है। साथ ही छात्रों, सम्राट अशोक ने अपने दूसरे में सातवें समलेख में धर्म की व्याख्या की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपके कि सम्राट अशोक ने किस अभिलेख के अंदर अपने जो धर्म धर्म की व्याख्या की है, तो छात्रों वो है सम्राट अशोक ने अपने दूसरे वे सातवें स्तंभ लेख में धर्म की व्याख्या की है, जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य। अब व्याख्या किस प्रकार से कर रहा है, व्याख्या में क्या कहा उन्होंने, तो सम्राट अशोक ने दूसरे वे सातवें अभिलेख में उन्होंने कहा है कि जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान, दया, दान, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना। तो छात्रों, क्या कहा है कि सम्राट अशोक ने अपने दूसरे वे सातवें स्तंभ लेख में धर्म की व्याख्या की है, जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना आदि। तो ये जो इसके दूसरे वे सातवें शिलालेख के अंदर इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। छात्रों, जो ये सिद्धांत है धर्म का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, धर्म का जो सिद्धांत है, ये कहाँ से इसने ग्रहण किया है अशोक ने, तो राहुलोवाद सूत्र से, चूल व्यूह से, महाव्यूह से, इतिवृत्तक तथा सिंगोला सिंगालोवाद सूतांत। तो अशोक ने जो ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ है, राहुलोवाद सूत्र, चूल व्यूह, महाव्यूह, इतिवृत्तक, सिंगालोवाद सूतांत, ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों से जो धर्म का सिद्धांत उसने जो ग्रहण किया है।
छात्रों अब जो डॉक्टर भंडारकर है, डॉक्टर नाम भंडारकर नाम का विद्वान है, ये क्या बताता है कि अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जा सकता है। डॉक्टर भंडारकर जो अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म बताता है, तो इन्होंने कहा कि अशोक का जो धर्म है उसे उपासक बौद्ध धर्म कहा जा सकता है। छात्रों जो सम्राट अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन, कौन सा जीवन, लौकिक जीवन को तो सुधारना चाहते थे परंतु साथ ही पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहते थे। परलोक के अंदर जो उनका जो परलोक के अंदर अर्थात उनका जीवन इस प्रकार से हो जाए, अर्थात उनको इस प्रकार इनके धर्म के माध्यम से, उसने नियम बहुत सरल बताए धर्म के, और धर्म के नियमों का पालन करते हुए वो अपने चरित्र को उत्तम बनाए तथा वो मोक्ष को प्राप्त हो सके, तो इसलिए उसने क्या किया कि धर्म दिया, धर्म की स्थापना की। छात्रों सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहते थे, इसीलिए अशोक ने धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो सम्राट अशोक के धर्म की विषय वस्तु थी और इनकी जो स्थापना का एक कारण था। छात्रों अब हम देखते हैं कि सम्राट अशोक द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया इस धर्म की विशेषताएं क्या थी, तो सम्राट अशोक के धर्म की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। छात्रों अब हम देखते हैं सम्राट अशोक के धर्म की विशेषताएं, अशोक के धर्म की विशेषताएं। छात्रों को हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, सम्राट अशोक के धर्म की विशेषताएं, जो इसके सम्राट अशोक ने जो धर्म का स्थापना की गई, जो अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को सुधारने के लिए धर्म की स्थापना की गई, तो अब इस धर्म की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं।